एस टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश। मोतिहारी के गांधी चौक पर रोटरी मोतिहारी लेक टाउन के सदस्यों ने निकाला कैंडल मार्च। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा प्रखंड स्थित हसनपुरा गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खुला सीएसपी केंद्र। बेतिया सांसद ने फीता काटकर किया उद्घाटन। सीवर जिले के डूबा घाट पर बागमती नदी में डूबे तीन युवकों में से दो युवकों का शव हुआ बरामद। एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद शव को किया बरामद। सिपाही भर्ती परीक्षा में मोतिहारी के गोपाल साह स्कूल में पकड़ा गया मुन्ना भाई, दूसरे छात्र के नाम पर दे रहा था परीक्षा, जांच में जुटी पुलिस। सावन महीने के अंतिम सोमवार के साथ कल मनाया जाएगा रक्षाबंधन का त्यौहार। ज्योतिषाचार्य पंडित ब्रिजभूषण दुबे ने दी विशेष जानकारी। नगर थाना मोतिहारी के पुलिस जवानों के लिए इस बार का रक्षाबंधन का त्यौहार रहा यादगार। मारवाड़ी महिला समिति की बहनों ने सभी पुलिस कर्मियों को बांधी राखी। पूर्वी चंपारण में धनौती नदी पर आजादी के पहले से पुल निर्माण नहीं होने के कारण 10,000 की आबादी प्रभावित। 15 किलोमीटर घूम कर आते हैं मोतिहारी। ग्रामीणों ने खुद के पैसे से चचरी पुल का किया निर्माण। बहनों की राखी भाइयों की कलाई तक पहुंचे, इसको लेकर डाक विभाग ने शुरू की एक नई पहल। डाक अधीक्षक पूर्वी चंपारण सर्किल ने दी जानकारी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंचे मोतिहारी, स्वागत में आयोजित हुआ अभिनंदन समारोह। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में बेतिया में भी हुआ प्रदर्शन। नीमा और आईएमए के सदस्यों ने निकाला विरोध मार्च। और मोतिहारी के नगर थाना में मंत्री पुत्र के खिलाफ एफआईआर, टेंडर से जुड़ा है मामला। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और निर्मम हत्या के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस कड़ी में मोतिहारी के गांधी चौक पर रोटरी मोतिहारी लेक टाउन के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया और इंसाफ की मांग की गई। इस दौरान रोटरी मोतिहारी लेक टाउन के अध्यक्ष, सचिव एवं सभी सदस्यों के द्वारा हाथ में कैंडल लेकर पैदल मार्च किया गया। वहीं मौके पर क्लब के अध्यक्ष रोहित कुमार गुप्ता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना काफ़ी निंदनीय है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह के लोगों को तुरंत सजा दी जानी चाहिए ताकि समाज में महिला बेटी सुरक्षित रहें। वहीं क्लब के वरिष्ठ सदस्य देवप्रिय मुखर्जी ने कहा कि हम लोग दिल्ली सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटना को दोबारा ना हो सके। कलकत्ता के एक प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई और उसको लेके जो उसको छुपाने के उस इंसिडेंट को छुपाने की कोशिश किया जा रहा था, उसका फैक्ट बाहर नहीं आने दिया जा रहा था, उसके लिए हम लोग आज ये कैंडल मार्च निकाले हैं रोटरी मोतिहारी लेक टाउन के तरफ से। और हम लोगों की अपील है दिल्ली सरकार को और पश्चिम बंगाल सरकार को कि इस जघन्य घटना का जल्द से जल्द सटीक विचार हो और कल्प्रिट्स जो भी हो सबको फांसी की सजा हो। आज रोटरी लेक टाउन के द्वारा हम लोग उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं। ऐसा जो समाज के अंदर ये नई परिपाटी स्टार्ट हुई है, औरतें हमारी सुरक्षित नहीं है, बच्चियां हमारी सुरक्षित नहीं है, इसके लिए सरकार को चाहिए कि एक ऐसा कानून बनाए जो दूसरे देशों में जो कानून है वैसा कानून बना के हमारे किसी को ये सब काम करने से पहले सोचना पड़े कि हम क्यों करें और कैसे करें। वी वांट जस्टिस। मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मेरी भी एक जवान बेटी है, मैं तो ये सब कुछ घटना सुनती हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने ऊपर इमेजिन करने लगती हूँ। और मैं ये पूछना चाहती हूँ हमारे बंगाल के राज्य सरकार से, हमारे भारत के सरकार से और हमारे देश के कानून व्यवस्था से, एक बार निर्भया हुई, मौमिता हुई, अब अगला किसकी बारी है? एक बंगाल की जो खुद एक औरत है, शायद इसलिए आज तक वो माँ नहीं बनी, उसकी शादी नहीं हुई, उसकी माँ नहीं बन पाई। एक माँ का तकलीफ क्या है उसको नहीं समझ में आ रहा है।
मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग का स्पेशली रोटरी का भी नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम बेटी को तो पढ़ा पा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ में फेलियर है कि बेटी को बचा नहीं पा रहे हैं। बेटी हमारी हर तरह से आगे बढ़ रही है, हर तरह से सक्षम हो रही है, बट फिर भी हम लोग इस समाज में अपनी बेटियों को नहीं बचा पा रहे। इसका मेन रीज़न है कि अब हम लोग जो गुड टच और बैड टच स्पेशली मैं करती हूँ रोटरी में, ये बच्चों को देना, लड़कियों को सीख देती हूँ, मुझे लगता है ये सीख अब हमको लड़कों को देना चाहिए कि आप लोग जानिए कि क्या होता है गुड टच, क्या बैड टच। अगर लड़की नो कह रही है इसका मतलब नो होता है। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा प्रखंड स्थित हसनपुरा गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CSP केंद्र का बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, प्रमुख विशाल गुप्ता, उप प्रमुख अरविंद पांडे ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर संचालक राहुल कुमार मदनवाल ने बताया कि इस क्षेत्र में CSP नहीं था, जिसके कारण यहाँ के लोगों को लेन देन के लिए दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें इसके लिए दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही पैसा निकालने में जो फर्जीवाड़ा होता है वह उनके यहाँ नहीं हो सकता। मौके पर सैकड़ों स्थानीय लोग भी मौजूद थे। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार कल भादो मास चालू हो जा रहा है, इस कारण से आज जो हमारा ये रंगड़वा प्रखंड का सकरार पंचायत के आपको हसनपुरा गाँव में हमारा ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का CSP ब्रांच चालू हुआ है, और इस नज़र से देखते हुए हम आज ही के दिन और इस उद्घाटन में हमारे क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी के द्वारा और हमारे मुख्य अतिथि रंगड़वा ब्लॉक प्रमुख पति विशाल गुप्ता और उप प्रमुख अरविंद पांडे जी के माध्यम से संयुक्त टीका काट करते हैं। हमारे तरफ से गांव में सुविधा देने का कारण है कि यहां पे बहुत सारे, जैसे कि पैसा जो निकलता है बहुत सारा फर्जीवाड़ा होता है, ये सब बिल्कुल हमारे CSP खुलने से सब बंद हो जाएगा। उसके अलावा जनधन खाता जो है, उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, भारत सरकार का बहुत सारी योजना है जो सरकार लागू किया हुआ है जो ग्रामीणों के लाभदायक है, वो सब सारी सुविधाएं उन लोगों को यहाँ CSP के माध्यम से यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ। शिवहर जिले के डूबा घाट पर बागमती नदी में डूबे 3 युवकों में से 2 युवकों के शव को SDRF एवं NDRF की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद बरामद कर लिया। वहीं एक शव अभी भी बरामद नहीं होने से लोगों के मन में आशंका लगा हुआ है कि आखिर शव क्यों नहीं मिल रहा। खबर के मुताबिक जिला पदाधिकारी पंकज कुमार, पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार राय, अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुणाल, SDPO अनिल कुमार के द्वारा शव को खोजने के लिए अथक प्रयास किया गया। इसके लिए SDRF की टीम एवं NDRF की टीम को बुलाया गया था। बताया गया है कि डूबा घाट के पास 15 अगस्त को नदी में स्नान करने गए 3 युवक डूब गए थे, जिसमें शिवहर नगर परिषद वार्ड नंबर 18 के शशि रंजन कुमार का अभी भी शव नहीं मिल पाया है, जबकि आज सुबह परसौनी के पिंटू कुमार एवं प्रमोद शाह का शव बरामद किया गया है। वहीं डूबा घाट बागमती नदी के किनारे रविवार के दिन सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर जल के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। देखिए घटनास्थल से संवाददाता आपकी ब्रजा की यह रिपोर्ट। इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस समय हम लोग डूबा घाट पर हैं, और बीते दिनों जब आपने एक तस्वीर देखी थी जिसमें 3 जो लड़के की जो डूबने की घटना आई थी, आज एक का शव बरामद कर लिया गया है। लगातार SDRF और NDRF की टीम है, लगातार खोजबीन जारी है, और इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो पानी, जो बागमती के पानी की अगर बहाव की बात कही जाए, वो अभी भी कहीं ना कहीं बागमती का जो है जो जलस्तर है वो अभी भी बढ़ रहा है, और एक का जो आज शव है वो बरामद कर लिया गया है, और 2 का कहीं ना कहीं अभी शव अभी लापता है, और लगातार SDRF और NDRF की टीम लगातार खोजबीन जारी है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, आज रविवार है और कल सोमवारी है, जो सावन का लास्ट सोमवारी कहा जाता है, जिसको लेकर बागमती, ये डूबा घाट पर बागमती नदी पर अभी भी लोगों का भीड़भाड़ देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि जल लेने के लिए जो श्रद्धालु है वो आ रहे हैं, और किस तरीके से बागमती पर से यहाँ से जल ले रहे हैं, और जिला प्रशासन के तरफ से बागमती नदी घाट पर एक बैनर लगाया गया है, जिसमें सावधान एवं अपील की गई है कि आप गहरे पानी में न जाएं, जो बैरिकेटिंग बनाया गया है उस बैरिकेटिंग के अंदर रहकर ही स्नान करें। तो तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लगातार यहां पर मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी के भी यहां पर तैनाती की गई है, गोताखोर भी है। शव कैसे, एक जो शव जो बरामद हुआ है, कैसे बरामद हुआ है? वो बरामद हुआ लोहा फंसा था, ये कल अपने और पानी आया, कल फूल के निकल गया, फूल के निकल गया। हाँ। अभी भी 2 जो शव है वो अभी भी वो बरामद नहीं किया गया है, 2 शव जी बुरा बोलेगा
200 अभी भी नहीं किया गया है। 200 जो है सो अभी बरामद नहीं हुआ है। यह तो लोहा में फंसा हुआ था, 3-4 लड़की वहाँ पर सेल्फी ले रही थी, उसको धेराने गए हैं, तो लाश भी गए तो मैंने देखा हूँ, NTR वाला को मैंने रिपोर्ट किया हूँ। अच्छा, उसको रिपोर्ट जी सर। तो आप देख सकते हैं कि जो गोताखोर का ड्यूटी यहाँ पर लगाया गया है, उनका कहना है कि लगातार हम लोगों को समझा बुझा रहा है, और जैसे ही 100 मिला हमने SDRF और NDRF को इस बात की सूचना दी, तो तस्वीरें ये निकल रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार लोग इसको लेकर डरे सहमे भी हुए हैं, जो डुब्बा घाट पार है, मन में कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर ये यहाँ पर डूबने की जो घटना है वो लगातार हो भी रही है, तो उसका शव बरामद नहीं हो पा रहा है। सिपाही भर्ती परीक्षा में मोतिहारी के गोपाल शाह स्कूल में एक मुन्ना भाई को पकड़ा गया है। मुन्ना भाई यानी फर्जी छात्र को पकड़ा गया है। मुन्ना भाई ने अपना नाम राकेश कुमार बताया है और वह पटना का रहने वाला बता रहा है। गिरफ्तार राकेश कुमार बम झा की जगह गोपाल शाह परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे रहा था। मुन्ना भाई के पकड़े जाने के बाद मोतिहारी पुलिस चांदमारी मोहल्ले में कई लॉज को खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए राकेश कुमार का जब सिग्नेचर और फोटो मिलान किया गया तो मिलान नहीं हो पाया, लेकिन फिलहाल पुलिस कुछ भी बोलने से इस मामले में बच रही है और मुन्ना भाई से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि पूर्व के अनुभव को देखते हुए मोतिहारी में परीक्षा केंद्र पर बेहतर इंतजाम किए गए थे और पुलिस की नज़र हर एक गतिविधियों पर थी। पुलिस गिरफ्तार मुन्ना भाई की निशानदेही पर कई घरों की तलाशी ली है। SP कांतेश मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तारी हुई है, इसकी पूरी जाँच की जा रही है। एक सूचना प्राप्त हुई थी, एक संदिग्ध व्यक्ति गोपाल शाह कॉलेज जिसमें सिपाही भर्ती परीक्षा हो रहा था उसके बदले, जो परीक्षार्थी था उसके बदले एक आदमी एग्ज़ाम दे रहा था। इस सूचना को सत्यापन किया गया, सत्यापन उपरांत उसको गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कहाँ कहाँ सर? ये मसौड़ी पटना का बताया जा रहा है। क्या नाम है? नाम उसका राकेश कुमार है। सॉल्वर गैंग के सदस्य? नहीं, ये अभी पूछताछ हो रही है, अभी जानकारी अप्राप्त। किसके नाम पर बैठा है? वो बम झा नाम के अभ्यर्थी के जगह पे बैठा। क्या नहीं 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 कैसे पकड़ा? पकड़ा गया था, एक सूचना मिला था हम लोग को, उसके आधार पर लोग उसको। सावन महीने के अंतिम सोमवारी के साथ कल रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन 19 अगस्त को मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त में भाई की कलाई पर बहनें राखी बांधेंगी। बताया जा रहा है कि भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन त्यौहार इस बार विशेष योग के बीच मनाया जाएगा, जो भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा, और इस दिन अंतिम सोमवारी भी है। रक्षाबंधन को लेकर ज्योतिषाचार्य पंडित ब्रजभूषण दुबे ने कहा कि 18 अगस्त को रात्रि 2:21 से भद्रा प्रारंभ हो जा रही है, जिसके कारण रक्षाबंधन 19 अगस्त को दिन में 1:25 के बाद रक्षाबंधन कराना सुभद रहेगा। रक्षाबंधन के बारे में क्या कुछ और जानकारी दे रहे हैं पंडित ब्रजभूषण दुबे, सुनिए। इस वर्ष 2024 में जो रक्षाबंधन का जो पवित्र पर्व है वह 19 अगस्त 2024 रोज सोमवार को है, तो इस वर्ष रक्षाबंधन का जो पर्व है वह भद्रा से रहित नहीं है, भद्रा व्यक्त है। तो आज 18 अगस्त को रात्रि 2:21 से भद्रा जो प्रारंभ हो रही है वह कल यानी 19 अगस्त सोमवार को दिन में मध्याह्न काल 1:25 तक कह रहा है। तो सभी सनातनियों से निवेदन है कि 1:25 दिन में के बाद रक्षाबंधन का पवित्र पर्व हम लोग मनाएंगे, क्योंकि भद्रा में वर्जित किया गया है दो चीज, या श्रावणी रक्षाबंधन और फाल्गुनी जो पर्व हम लोग होलिका दहन जो मनाते हैं वह भी वर्जित किया गया। होलिका दहन में हमारे समाज पर इफेक्ट पड़ता है और रक्षाबंधन से अपने ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कितने का अनुमान है बिक रहा है? मतलब अनुमान होगा अभी 500-600 का तक चल रहा है। लोगों में उत्साह है राखी को लेकर? राखी का उत्साह है, ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो रही है, ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो रही है। 40 का नाम हुआ। नगर थाना मोतिहारी के पुलिस जवानों के लिए इस बार का रक्षाबंधन त्यौहार काफी यादगार रहेगा। खबर के मुताबिक मारवाड़ी महिला समिति की बहनों ने मोतिहारी नगर थाना पहुंचकर थाना अध्यक्ष विजय कुमार सहित सभी पुलिस कर्मियों की कलाई पर राखी बांधी और महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा का संकल्प लिया है।
मोतिहारी के नगर थाना पहुंचकर मारवाड़ी महिला की बहनों ने एक भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया। वहीं नगर थाने के पुलिस कर्मियों के द्वारा रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को उपहार के रूप में मिठाइयां भी भेंट की गईं। इस दौरान माहौल काफी भावुक हो गया। मौके पर मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्षा ने कहा कि पुलिस के जवान अपने घर परिवार से दूर रहकर हम सभी बहन बेटियों एवं समाज की सेवा करते हैं, इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष अपने पुलिस के जवान भाइयों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं और बहन बेटी सहित देश की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। लोगों के लिए शुभकामना करते हैं, ये लोग बने, इनकी जिंदगी बनी रहे ताकि हम बहनों की रक्षा कर सकें और पूरे मोतिहारी की सबकी रक्षा करें। अब लोग किस संस्था से आई हैं? मारवाड़ी महिला समिति से। जय कंचन राजगढ़िया। हम लोग हर साल बाहर सैनिक भाइयों को राखी बांधते हैं। इस बार हम लोगों का मन हुआ कि हम लोग लोकल में भाइयों को राखी बांधे, क्योंकि सबसे पहले तो लोकल सिपाही भाई हम लोग के काम आते हैं। आज किसी चीज़ की भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लोकल ही भाइयों को बोलेंगे और हम लोग को आज राखी बांधकर बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि बयान नहीं कर सकते, शब्द कम पड़ रहे हैं। हम लोग को सभी बहनें बहुत खुश हैं आज राखी बांध करके। हम लोग चाहते हैं ये मौका हम लोग को हर साल मिले कि हम लोग अपने सिपाही भाइयों को राखी बांध सकें। हम लोग बहुत अच्छा फील करते हैं। अगली बार हम लोग वहाँ पर बाहर पे सेना के लिए बहुत सारी राखियाँ भेजे थे। इस बार मन किया कि हम अपने प्रशासन को, अपने टाउन के जो हैं अधिकारी लोग, उन लोगों को राखी बांधे हैं जिनसे हम लोगों का हरदम मिलना जुलना होता रहे। और हम लोग को ये ध्यान में रहे कि मेरे इतने भाई लोग हैं, हम सेफ हैं और स्वस्थ हैं, कि हम लोग को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो हम लोग की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। हमसे ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, इनके लिए कोई छुट्टी नहीं होती है उस दिन भी। एक तरफ बिहार में पुल निर्माण और टूटने को लेकर जमकर सियासत हो रही है, वहीं पूर्वी चंपारण के धनौती नदी पर आजादी के पहले से पुल निर्माण नहीं होने से 10,000 की आबादी प्रभावित है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने चंदे इकट्ठा कर ताड़ के पेड़ से जुगाड़ वाला चचरी पुल बनाया है, जो इधर के लोगों के लिए लाइफलाइन साबित हो रहा है। आपको बता दें कि मोतिहारी शहर से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर रघुनाथपुर और चौराहा के बीच में धनौती नदी पर आज़ादी के पहले से पुल बनवाने की मांग हो रही है, लेकिन सभी जनप्रतिनिधियों ने केवल वादा किया और इस दिशा में कोई काम नहीं किया। बताया जा रहा है कि यहाँ पुल निर्माण नहीं होने से स्थानीय लोगों को 15 किलोमीटर घूमकर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था तो ग्रामीणों ने कर ली है, पर बाढ़ के दिनों में शायद ही इसका इस्तेमाल हो सकेगा। देखिए एसटीवी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश कुमार की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़, मैं हूँ प्रकाश कुमार। इस वक्त हम बलगंगा और चैलाहा को जोड़ने वाली एक पुल बनाई गई है, जो स्थानीय लोगों की मदद से ये पुल बनाया गया है। और ये पुल जो है, जो ताड़ के पेड़ होते हैं उससे बनाया गया है। आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार जो है लगातार जो है ध्यान दे रही है कि पुल पुलिया बनाने में, और बिहार में कई सारे पुल पुलिया गिर भी गई हैं, फिर भी जो है सरकार का ध्यान इधर नहीं है। आप चैलाहा पंचायत के जो लोग हैं, जो इधर के लोग हैं, वो इस पार बलगंगा होकर मोतिहारी जाने के लिए काफ़ी जोखिम उठाना पड़ता है और इस पुल से जाता है, इस चचरी पुल के से ही जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ नदी है, ये धनौती नदी है और इससे इसको पार करके जाना है। कभी भी जो है हादसा हो सकता है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया सकता। हमारे साथ हैं क्या चाचा, कितने दिन से ही जाना आना आप लोग का है? लगभग मैंने 10 साल से बेसी हो, 20 साल से बेसी हो तो हुई। कोई देख लेखे जनप्रतिनिधि ना बोले? हाँ हाँ, विधायको साहब कौन जब बनवा दिया जाएगा तो विधायको साहब ना बनवाओ नहीं ये बा विधायक विधायक चैलाहा के कारण के बा के ना विधायक मुखिया के बा चैलाहा के मुखिया कथी कथी तो ये लोग बताई लोग हम घर बा है टोला में। अच्छा, तो मतलब कितना बरस से पुल बा यहीं है? 20 वर्ष से बेसी हो तो के बनवाइले बा के लोग अपने अपने मैंने गांव के लोग चांदा उंदा मांग के बनवावत लोग आवे जाएला चांदा बिटो। और देखिए ये जो महिला जो हैं, ये जो आ रही है पुल से, और काफी खतरनाक पुल है ये और दलदल भी है ये। क्या कब से में है अवल जानी? 20 बरस हो गेला के भाई बनवा उनवा के अथी करे ले बानी सब अपना से चांदा बिटोर 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 कोई देख देख ना करेगा, कोई ना देख रेख कर ला जे में डरो लागत डर लागल ना गिर गिर और जाले सदा गिर और के डर वाले के ना मोटरसाइकिल गिर जाला के ना भी अति हो जाला।
हमने के इतना दशा में हमने के पड़ल बानी से अपने लोगन तनी विकास कर देती तो हमने के बाल बच्चा के सुख सरता हो जाये। कितना दिन से आवन जानी में पुल में? 20 बरस से ऊपर हो गेल बा। ई कहां कौन गांव घर बा? ई दहाईता। दहाईता दहाईता चैलाहा बोले ना। अच्छा अच्छा बंजरिया चौदह नंबर वाट बा। तनी विकास कर दे लोगन लो तो हमने के आ देखी चोरनिया होके जाल जाला ताले मरीजी। कितना ज्यादा दूरी पर जाला जाये? ज्यादा दूरी बा 12 किलोमीटर आई से 15 किलोमीटर 12 किलो है या 15 किलो ऐसे 4 किलो आई 4 किलो तो 4 किलो नीचे का बाकी 15 किलो 12 किलोमीटर बहुत दिक्कत बा। बहुत दिक्कत बा। कितना दिन से आ जाए पड़ जाता है? हमनी के तो कहला 15-16 साल हो गई 20 साल। ओ ये अपना से चांदा लेके हमनी आ बोल टूटल तो बनवा नहीं आता तो मतलब कोई देख रेख नहीं? कोई देख रेख नहीं के। अच्छा ये एगो रास्ता बा में जाए ला शहर? ये बस हमनी के मोतिहारी जाए आ के ये रास्ता में ये रास्ते बा अपना से चाचरी लगा के बनवाईनी सो अपना से चांदल बिटोर के कोनो एथि नहीं के। कितना दिन से मैं आवन जानी? बहुत दिन से। अच्छा मोतिहारी जाए ये एगो रास्ता बा? हां ये रास्ता बा। ओ कोई देख रेख? देख रेख कहाँ कोई करते है मेरे रास्ते में? स्थानीय लोग की मदद से बनेला? हां ऐसे चांदा उंदा बिटोर के बन जाला आवे जाए में। क्या नाम है? जगुलाल प्रसाद। बहुत दिक्कत होता है सर आने जाने में। उसके बाद बरसात होती है तो पूरा ही रास्ता ब्लॉक हो जाता है। दूसरा रास्ता नहीं है मोतिहारी जाने के लिए? रास्ता है तो बहुत दूर पड़ता है। बहुत दूर है। इससे 4 किलोमीटर पड़ता है। इस तरफ का तो 12-13 किलोमीटर पड़ता है। बहनों की राखी भाइयों की कलाई पर पहुंचे इसको लेकर डाक विभाग ने भी एक नई पहल की है। गौरतलब है कि रक्षाबंधन का पावन पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह त्यौहार 19 अगस्त को मनाया जा रहा है। खबर है कि इस बार डाक विभाग ने इस त्यौहार को लेकर एक नई पहल शुरू की है और बहनों की राखियां भाइयों के कलाई तक पहुंचे इसको लेकर देश हो या विदेश सभी जगह पर राखी पहुँचाने की जिम्मेदारी ली है। पूरी चंपारण डाक सर्किल के तहत कई डाकघर उप डाकघर में राखी की बिक्री के साथ साथ उसकी पैकेजिंग और उसको पार्सल भी किया जा रहा है ताकि सही समय पर राखी भाइयों की कलाई तक पहुंचे। इसको लेकर एक स्पेशल लिफाफा भी बनाया गया है जिसमें ऑनलाइन ऑर्डर से ही डाक विभाग राखी की बुकिंग करके भाइयों तक राखी पहुँचाने का काम करेगी। इस संबंध में आशुतोष आदित्य डाक अधीक्षक पूर्वी चंपारण सर्किल क्या कह रहे हैं सुनिए। नहीं काफ़ी बढ़िया रिस्पांस आ रहा है। अभी इस बार राखी को देखते हुए हम लोगों ने अपने सारे उप डाकघरों में और प्रधान डाकघर में राखियों की बिक्री शुरू की है जिसमें 10 रुपये 15 रुपये 25 रुपये से लेके 85 रुपये तक की राखियाँ उपलब्ध हैं। साथ ही राखी इनवेलप उपलब्ध है जो मात्र 10 रुपये में है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है और बुकिंग की सुविधा तो हमारे उपलब्ध हैं ही। इसका उद्देश्य यह है कि जो भी बहनें राखियाँ भेजना चाहती हैं वो एक ही जगह उन्हें राखियाँ उपलब्ध हो जाए, लिफाफा उपलब्ध हो, बुकिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाए ताकि वो आराम से राखियाँ अपने भाइयों तक पहुँचा सकें। 8102916211 पर व्हाट्सएप करेंगे और उसके माध्यम से आपके घर बैठे ही आपको राखी कहीं भी भेजने की सुविधा प्रदान की जाएगी। बहुत सारे डिमांड जो है अरबियन कंट्रीज से जो हैं बुकिंग ज़्यादा हो रही हैं उधर जा रहा है और USA ब्रिटेन में भी राखियाँ जा रही हैं। BJP के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आज मोतिहारी पहुंचे। शहर के राजा बाजार स्थित बापू सभागार में आज उनके लिए एक अभिनंदन समारोह का भी आयोजन किया गया जिसमें BJP के तमाम विधायक नेता और सांसद मौजूद रहे। सभी नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का फूल बुके और मोमेंटो से स्वागत किया। इस अवसर पर जिला कार्य समिति की बैठक हुई और इस बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार PM बनने और उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता से किए गए वादों को लेकर अभिनंदन प्रस्ताव भी भेजा है। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि चांदी के चम्मच में खाने वाले लोग क्या जानेंगे बिहार की पीड़ा। वहीं सांसद राधामोहन सिंह ने कहा कि जनता को PM मोदी के गारंटी पर विश्वास है, PM मोदी के किए गए काम की सभी तारीफ करते हैं। अगर वो लालू जी का बेटा नहीं होता तो लंबा फेर वो चपरासी में भी नौकरी नहीं मिलता। अरे धन्य मनाओ बाप का कि बाप के नाम पर राजनीति चल रही है। राधा मोहन सिंह जी या हमारे जितने विधायक बैठे हैं अपने कर्म के बल पर आज 7वां बार इस लोकसभा में चुनाव जीते हैं। जिस मुख्यमंत्री के घर से अपराध का रोजगार
रोजगार चलता था, अपहरण का रोजगार चलता था, आज वो दूसरे को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बना तो कुछ लोग बड़ा खुश हुआ कि बड़ा सीधा साधा आदमी जो है प्रदेश अध्यक्ष बन गया। कार्यकर्ताओं का सम्मान तो मैं पहले दिन बोल दिया कि वो सम्मान पुराने से पुराने कार्यकर्ता और नए लोगों को जोड़ना मेरा लक्ष्य होगा, लेकिन लेकिन विपक्ष को लगा कि सीधा साधा आदमी बन गया अध्यक्ष, लेकिन मित्रों 10 दिन नहीं हुआ बिना थर्मामीटर के मैंने बुखार उतारना शुरू कर दिया है, तब उसे लगा कि सीधा साधा आदमी भी खतरनाक होता है। और संसद में विधानसभा में आज भी देखेंगे कि हम अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता, अनुसूचित जनजाति के कार्यकर्ता सबसे ज्यादा सांसद और विधायक अभी देश में है तो भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए जो भी ये हमारे विषय में झूठ का दुकान खोले हैं, झूठ का दुकान जाने में नहीं चलेगा। और प्रधानमंत्री जो स्वयं अति पिछड़ा है, जो दलितों पीड़ितों के उद्धार के लिए ही धरती पर आया है, इस धरती पर भगवान ने उसको इसीलिए भेजा है कि जो अनुसूचित जाति है जनजाति है पिछड़े हैं, दुखी वर्गों के पास जो सुविधाएं हैं उनको उन गलियों और पिछड़ों तक पहुंचाने के लिए ही मोदी को, नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की धरती पर भेजा है। कोलकाता में डॉक्टर मौमिता देवनाथ की रेप के बाद, निर्मम हत्या के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस कड़ी में बेतिया स्थित जंगी मस्जिद के समीप चिकित्सकों द्वारा एक विरोध मार्च निकाला गया। विरोध मार्च का नेतृत्व डॉक्टर मोहम्मद शाहनवाज हुसैन, डॉक्टर मिनहाज कलीम खान, डॉक्टर इकराम आदि कर रहे थे। विरोध मार्च के दौरान चिकित्सकों द्वारा बंगाल सरकार के विरोध में नारेबाजी की जा रही थी तथा चिकित्सकों को सुरक्षा की मांग की जा रही थी। मौके पर नीमा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर शाहनवाज हुसैन ने इस घटना की तीव्र निंदा करते हुए कहा कि इस घटना को अंजाम देने वालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और चिकित्सकों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक चिकित्सक दिन रात मरीजों की सेवा में लगा रहता है। उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा कि डॉक्टर मौमिता देवनाथ के रेप और हत्या के विरोध में नीमा देश बंद का समर्थन करती है। वहीं डॉक्टर मिनहाज कलीम खान ने कहा कि हम लोग न्याय चाहते हैं, पीड़िता के हत्यारे को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। घटना हुई अपने, अपने पूरा जी जान लगा के उनकी सेफ्टी के लिए इलाज करता है और इस तरह का नियम हत्या उसके साथ बलात्कार, हम लोग की कोशिश है, हम लोग की हड़ताल गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है कान में रुई डाल के सुई हुई है। बताइए उतने साल से पुराना हॉस्पिटल है, उसमें एक सीसीटीवी कैमरा नहीं है, सीनियर डॉक्टर जूनियर को ऐसे ही प्रताड़ित करते हैं, 36 घंटा का ड्यूटी दिलवा रहे हैं। मोतिहारी के एक संवेदक ने नगर थाना में आवेदन देकर बिहार सरकार के गन्ना मंत्री सह हरसिद्धि विधायक कृष्णनंदन पासवान के बेटे कुंदन पासवान और 3 अन्य लोगों के विरुद्ध नगर थाना में आवेदन देकर FIR दर्ज कराया है। संवेदक द्वारा टेंडर नहीं उठाने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए यह प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। घटना के संबंध में संवेदक संजीव सिंह उर्फ टुन्नी सिंह ने बताया कि 2 फरवरी 2024 में उसने मोतिहारी डिवीजन में टेंडर डाला था, जिसको लेकर हरसिद्धि विधायक बिहार सरकार के गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान के पुत्र कुंदन पासवान के द्वारा धमकी आया है कि टेंडर उठा लीजिए। वहीं ठेकेदार ने SP से सुरक्षा की गुहार लगाई है। क्या कुछ कह रहे हैं ठेकेदार, सुनिए। 2 फरवरी 2024 को मोतिहारी डिवीजन से टेंडर निकला हुआ था। फर्स्ट टेंडर मैंने मोतिहारी डिवीजन में दिया था। एक काम था तुरकौलिया प्रखंड का, जो हरसिद्धि विधानसभा में तुरकौलिया प्रखंड पड़ता है। टेंडर देने के बाद 2 रोज के बाद 4 तारीख को मेरे यहाँ कुछ लोग आए और आकर के कहे कि राहुल सिंह से बात कीजिए, मोबाइल हमको बात कराए। हमारे डेरा पर उआ कर लौट गया था लोग, हम डेरा पर उस समय नहीं थे। बाद में रास्ते में हम मिले, पहचान करने वाला पहचान कराया कि यहीं है, तो बात हुई थी उनसे। वो अपने नंबर से हमको बात कराया, आप टेंडर उठा लीजिए, टेंडर उठा लीजिए। हमने कहा कि हमारे पास काम नहीं है, हम टेंडर नहीं उठा सकते हैं, हमको एक काम छोड़ दीजिए ही। उसके बाद वो हमारे नंबर पर फ़ोन करने लगे जो हमारे मोबाइल में है। पहले तो मैंने बहुत
कौन उसमें उड़ा दिया है, लेकिन कुछ है हमारे पास। 11/4 को टेंडर मेरा गिरा और 15 को स्थानीय विधायक कृष्णन पासवान जी के बेटा का फोन आया करीब 8:30 करीब में, जो मोबाइल में मेरा है। उस समय हम कचहरी चौक पर थे सुबह में। आप टेंडर दे दिए, आप नहीं मानिएगा, टेंडर उठा लीजिए। आप कहा है टेंडर यहाँ दे रहे हैं, भाई हम टेंडर दे रहे हैं, बिहार सरकार से रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो टेंडर देना है, हमारा रोजी रोटी है ही कि नहीं। उसके बाद हम मोबाइल काट दिए, फिर हमको फोन किए। उसके बाद जब फोन किए तो हम फिर काट दिए, तब हमको हमारे मोबाइल नंबर पर फोन करने रहे। पहले वीडियो कॉल पर बात, व्हाट्सएप कॉल पर बात हो रहा था, उसके बाद ओरिजिनल नंबर पर मेरा फोन करने लगे जो दूसरा है उस पर, तो हम उठा कर बात किए। संयोग से मैं सेव नहीं कर सका, रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, दुर्भाग्य है, लेकिन बात होने लगा। वो कहे कि टेंडर उठा लीजिए, आ नहीं तो टेंडर देने के लायक नहीं रहिएगा कि नहीं, बहुत टेंडर दे रहे हैं आपको, हमारा ही क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है टेंडर देने के लिए। तो हम कहे भाई हमारा बगल में घर है, हम हर जगह टेंडर दिए हैं, मोतिहारी में दिए हैं, अरेयाज में दिए हैं, कुबीनगंज विधानसभा में भी दिए हैं, सब जगह दिए हैं, इतना ही टेंडर उठा लीजिए, नहीं तो आप आपको बहुत महंगा पड़ेगा कि नहीं, आपको बहुत अच्छी हो गया है टेंडर देने का, टेंडर उठा लीजिए, नहीं तो टेंडर के लिए नहीं उठाइएगा तो कुछ भी हो सकता है, मरवा भी सकते हैं। उसके बाद हम मोबाइल काट दिए। हमको भी लगा जब ठेकेदारी करना है, मरना ही है तो देखा जाए कि ना। उसके बाद ई लोग अरेस्ट हो गए, चले गए तिहाड़, तब ई लोग कमान संभाल लिया उनके गुर्गा लोग कि नहीं, आई कुंदन जी कमान संभाल लिए। इधर मंत्री पुत्र कुंदन पासवान ने कहा कि सारे आरोप निराधार हैं। मंत्री पुत्र का कहना है कि पिछले 5 महीने से मेरे और मेरे परिवार को कुछ लोगों के द्वारा बदनाम किया जा रहा है, जिला प्रशासन इसकी जांच करे और अगर मैं दोषी करार दिया जाता हूं तो जो सजा दी जाएगी मुझे मंजूर है। क्या कह रहे हैं मंत्री पुत्र, सुनिए। मामला कुछ नहीं है और 4-5 महीना से मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर षड्यंत्र मतलब रचा जा रहा है यहाँ के कुछ नामी ग्रामीण लोगों के द्वारा, और मैं किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के संपर्क में रहता नहीं हूँ। मैं अपने संगठन का काम करता हूँ और हमें फंसाने का और हमारे परिवार को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, और हमारा फ़ोन डिटेल्स निकलता है, कॉल का डिटेल्स निकलता है, या उस CCTV जिस फुटेज का बात कर रहे हैं उनको देना चाहिए और जिला प्रशासन इस पर जाँच करे और मतलब सच का दूध का दूध और पानी का पानी करे। अगर मैं दोषी होऊंगा तो मुझे जो भी सजा मिलेगा मुझे मंजूर है। आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते एक जरूरी संदेश, अगर आप भी पत्रकार बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय समाचार चैनल करा रहा है सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्नलिज्म। आपके शहर मोतिहारी में TV न्यूज रूम के भीतर बैठकर सीखिए रिपोर्टिंग, एंकरिंग और एडिटिंग। मीडिया जगत में अपना भविष्य बनाने के लिए STB न्यूज एकेडमी में आज ही लीजिए एडमिशन। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।